नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। पर्यटन नगरी खजुराहो के संग्रहालय में आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस गरिमापूर्ण तरीके से अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें पुरातत्व अधीक्षक डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी, राजनगर SDM DP द्विवेदी एवं SL परमार पुरातत्व अभियंता विशेष तौर पर मंचा सीन रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व अतिथियों के सत्कार के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर प्रकाश डाला गया है। कार्यक्रम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर प्राचीनतम संग्रहालय की एक झलक के तहत आज के दिवस की उपयोगिता उपस्थित अतिथियों के द्वारा प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें आज की इस प्रतियोगिता के माध्यम से खजुराहो के सरस्वती शिशु मंदिर में जया रजक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं हायर सेकेंडरी एवं स्कूल खजुराहो में अमन द्विवेदी एवं शिवांशु शुक्ला द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे, जबकि चतुर्थ स्थान पर अलका सिंह बनाफर रही। प्रतिभागी बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप उपहार भेंट किए गए। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर महेंद्र पाल प्रभारी सहायक अधीक्षक प्रा तत्वविद के द्वारा किया गया, जबकि कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन शुभम अर्जरिया ने हुआ। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों के अलावा स्थानीय जन एवं गणमान्य नागरिक पंडित सुधीर शर्मा एडवोकेट वीरेन तिवारी उपस्थित रहे। सर, ये जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कार्यक्रम है? इस अवसर पर खजुराहो संग्रहालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया कि बच्चे और स्थानीय लोग यहाँ पर संग्रहालय में आए, संग्रहालय को देखे, समझे और जाने, और इसीलिए बच्चों के लिए एक छोटी सी ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय और सांत्वना पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। सर, एक 2019 के द्वारा मूर्ति वापस लाई गई है खजुराहो की, क्या है, कौन सी मूर्ति है, कहाँ पर? ये एक सुखनायिका की प्रतिमा है, मूर्ति है, जो कि पूर्व में बाहर चली गई थी यहाँ से, और ये वापस लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी भारतीय धरोहरें बाहर गई हैं उनको वापस लाने का जो एक अभियान जैसा चल रहा है, उसी अभियान के तहत यह मूर्ति भी यहाँ पर वापस आई है, जो कि हमारे यहाँ संग्रहालय में है और जिसको विशेष रूप से प्रदर्शन करने की तैयारी की गई। सर, संग्रहालय में मूर्तियाँ पूरी तरह से स्थापित हो चुकी हैं, कुछ और अपडेट? नहीं, अभी पूरी तरह से संग्रहालय में मूर्तियाँ स्थापित नहीं हुई हैं, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस साल हम लोग कुछ और गैलरी ओपन करें। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।